वेलकम टू जीएलएम इंस्टीट्यूट। जैसे कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, हमारे सामने यहाँ पर एक पैनल है, एड्रेसेबल फायर अलार्म पैनल, और यहाँ पर है ये कन्वेंशनल फायर अलार्म पैनल, जिसमें ये सारे डिवाइसेस लगे हैं। तो एक एक करके सभी का नाम बताना है आपको, ठीक है? तो हम पहले इसके बारे में जानेंगे क्या क्या डिवाइसेस हैं, क्या क्या नाम है, और एक ओवरव्यू लेते हैं कि अब तक आपने क्या क्या सीखा है। तो मुझे एक बार नाम बता दीजिए, इनको क्या कहते हैं, कौन से डिटेक्टर से ये? हाँ जी, मल्टी डिटेक्टर। गुड। इसको क्या कहते हैं? स्क्रॉप। और इसको? कंट्रोल मॉड्यूल। कंट्रोल मॉड्यूल। इसको? एमसीपी मैनुअल कॉल पॉइंट। और इसको? पुटर। ठीक है। और ये जो कन्वेंशनल पैनल है, इसमें भी थोड़ा सा बता दीजिए, सेम चीजें हैं कि कुछ अलग है इसमें? इसमें एक्स्ट्रा इंडिकेटर लगे हैं जो आप बाहर लगते हैं। और दो प्रकार के पैनल है, ठीक है? यहाँ पर बेसिकली एग्जैक्टली जो आपने जो तीन चीजें सीखी है, मेन जो प्राइमरी नीड है एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम इंजीनियर्स की, वो तीन चीजें क्या थी, थोड़ा सा बता दीजिए तीन शब्दों में, जिससे व्यूअर्स क्लियर कट समझे कि एग्जैक्ट आपने यही सीखा है। सर, हमने इसमें इंस्टॉलेशन करना सीखा है। हाँ। और एड्रेसिंग किया है। ओके। और प्रोग्रामिंग किया है। इंस्टॉलेशन, एड्रेसिंग और प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कितने तरीके से बताई गई आपको? सर, बाय पैनल और पीसी। ठीक है, बाय पैनल और पीसी, कंप्यूटर। कंप्यूटर के थ्रू दो तरीके से प्रोग्रामिंग आपने सीखा। कितने तरीके से? दो तरीके। किसके किसके थ्रू कर सकते हैं? ये पैनल के थ्रू से। हाँ। और लैपटॉप के थ्रू से। दोनों, लैपटॉप कंप्यूटर एक ही होता है, उनके थ्रू आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल लगा आपको कि आसान था ये सब कुछ? अच्छा था, सब कुछ आसान था। और अभी आप कॉन्फिडेंस महसूस कर पा रहे हैं? साइट पे जाके अगर आपको मैं बोलूं कि एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम का कनेक्शन करना है, एड्रेसिंग करनी है और उसका जो है प्रोग्रामिंग करना है, तो कर पाओगे? हाँ सर, एकदम सही। तो शुरुआत कहाँ से करोगे, थोड़ा सा बताओ कि किस तरह से करोगे, वायरिंग कैसे करोगे, क्या क्या डिवाइसेस उसमें यूज होगे, कैसे करोगे, ओवरव्यू बताओगे? एड्रेसेबल का ये क्लास का वायरिंग लेंगे। ओके। और फिर प्लस से प्लस जोड़ते हुए ओके आएंगे। एक क्लास की वायरिंग है, लूप वायरिंग करेंगे, प्लस टू प्लस एंड माइनस, और फिर उसके बाद इसमें एंड ऑफ द लाइन रजिस्टर लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। वो किसमें लगता है? कन्वेंशनल लगता है। गुड, मतलब कि आप क्वेश्चंस के आंसर्स भी सही से दे रहे हो। अच्छा, हमें अगर ऐसा चाहिए कि आग लगी और कॉल आना चाहिए, पार्टी को कॉल जाना चाहिए और एसएमएस जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या डिवाइस यूज करेंगे? डिवाइस का नाम बता दीजिए। हमारे पास वो डिवाइस है, अवेलेबल है। कौन सा डिवाइस है? परफेक्ट। ये डिवाइस लगाने से क्या होगा? सर, कॉल जाएंगे कैंडिडेट। बिल्कुल। कौन सा डिवाइस है, थोड़ा सा बता दीजिए फिंगर करके। ये डिवाइस, इससे क्या होगा? कॉल जाती है सर कैंडिडेट में। मैसेज भी जा सकते हैं। एसएमएस और कॉल। एसएमएस और मैसेज कॉल। तो उसके लिए हमें पैनल के अंदर का कौन सा सॉकेट यूज करना होगा? सॉकेट का नाम बताइए। रेलस सर, रिले। रिले रिले रिले, ठीक है, रिले सॉकेट यूज करना। ये सब सीख गए आप अच्छे से? जी सर। कर पाओगे साइट पे जाके? बिल्कुल। कॉन्फिडेंस लग रहा है सर? वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन अर्शद। थैंक यू सो मच सर। 2 मंथ का ये पूरा कंप्लीट सीसीटीवी एंड फायर अलार्म कोर्स किया और आज आपको ये सर्टिफिकेट रिवॉर्ड किया जा रहा है। थोड़ा सा आप शेयर कीजिए कि आपकी जर्नी कैसी रही जीएलएम इंस्टीट्यूट में, जो आप जीएलएम कोर्स किए, क्या क्या सीखे, कैसा रहा, शॉर्ट थोड़ा सा बता दीजिए। मेरी जीएलएम की जर्नी बहुत अच्छी रही। यहाँ पर मुझे बहुत से चीजें सीखने मिला, जैसे कि फायर अलार्म हूटर वगैरह कैसा इंस्टॉल करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सीसीटीवी का पूरा सेटअप वगैरह कैसा लगाना है, एनवीआर किसको बोलते, डीवीआर किसको बोलते, ये हमें सिर्फ एक नॉलेज था कि एनवीआर डीवीआर होता है, कैमरा होता है, बट उसको कैसा इंस्टॉल करना है, कैसा लगाना है, वो हमारे सर ने हमें पूरा एक्सप्लेन किया, हर तरह से हमें सिखाया है, समझाया। फायर वगैरह का पूरा सेटअप सर ने बताया है और सर ने यहाँ तक कि हमें डोर अलार्म सिस्टम वगैरह का पूरा हर एक चीज़ हमें डिटेल में बताई। अभी कहीं भी कोई भी साइड पे हम जाएंगे तो हम इसको पूरा कर सकते हैं, इतना हमें पूरा 101% कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर। थैंक यू सो मच सर। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर।